वक्त की बड़ी खबर। और सबसे बड़ी बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने एक पार्टी भी अटेंड की थी। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, ये कहा जा रहा है कि कनिका कपूर ने एक पार्टी भी अटेंड की थी, तो अब जाहिर तौर पर क्या उन लोगों को भी चिन्हित करने का काम शुरू होगा जो उस पार्टी में मौजूद थे? देखिए, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि बड़ी मशहूर सिंगर है कनिका कपूर, और उन्होंने कुछ लंदन गई थी, कुछ दिन पहले लखनऊ में आई थी, और एक बड़ी पार्टी की गई थी जिसमें बहुत सारे बड़ी हस्तियां, हाई प्रोफाइल लोग थे, सरकार के कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, राजनेता होते हैं, मंत्रियों के परिवार के लोग होते हैं, वो शामिल हुए थे, और फैमिली पार्टी थी। तो लिहाजा अब उन लोगों में दहशत का माहौल है जो लोग उस पार्टी में शामिल थे। हालांकि अभी कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन जो प्रशासन है वो जरूर इस बात की चिंता कर रहा है, उन लोगों को चिन्हित कर रहा है, उन लोगों से जो डॉक्टर्स की टीम है बात कर रही है कि भाई कौन कौन से लोग थे, कब पार्टी में शामिल हुए थे, किन किन लोगों ने, कौन कौन से लोग कनिका कपूर के संपर्क में आए थे, तो इन सब बातों की जांच हो रही है। क्योंकि अब एक के बाद एक जिस तरह इंसान से इंसान के बीच फैल रहा है, आज ही 4 केसेज नए लखनऊ में आए, तो अब इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। और इसी बात को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, प्रधानमंत्री 4 बजे करेंगे, यूपी के सीएम और कई मुख्यमंत्रियों से जानकारी लेंगे। तो अब इस बात को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ स्वास्थ्य विभाग से लेकर उन लोगों में जो लोग इस बड़ी पार्टी में शामिल हुए थे। गायत्री, अजीत, यानी एक बड़ा गुत्था जहां शामिल हुई थी कनिका कपूर, ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं करीब 200 लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे, और उन 200 लोगों तक पहुंचना, क्योंकि अब वो 200 लोग जहां जहां जाएंगे जाहिर है संक्रमण का खतरा वहां भी बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि जाएंगे, बल्कि ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी कि जा चुके होंगे, जहां जहां वो लोग अब तक गए होंगे, जिन जिन लोगों से मिले होंगे, जिनके घरों गए होंगे, जहां पार्टियों में गए होंगे या फिर सिनेमा हॉल मॉल्स गए होंगे, वहां जो जो लोग बाद में गए होंगे उनके लिए भी खतरा है। तो अगर एक बार ये चीज कंट्रोल नहीं हुई, और अगर ये लोग जहां जहां गए, जिन लोगों के संपर्क में आए, तो अब इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो प्रशासन के सामने यही चुनौती होगी कि उन लोगों से बात करें कि कहां कहां गए थे और किन किन लोगों से मुलाकात की। गायत्री, बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होगी अजीत।